जय हिंद। आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पे है। एक्चुअली थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई और हमको यहाँ आने में लेट हो गया, इस वजह से ये थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में डाउट हो गया। मेरा एक दोस्त है ना, उसको थोड़ा कोरोना बहुत सीरियस हो गया। वो होम आइसोलेशन में था लेकिन हालत बिगड़ने की वजह से उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ा और आईसीयू में अभी वो एडमिट है। इस वजह से हम थोड़ा उसके देखरेख में लग गए थे, तो हम आके कुछ बता नहीं पाए। कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है और वो बता रहा है मेरा दोस्त कि भाई जाओ, अब हम थोड़ा सा ठीक हैं। थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि कुछ लोग का कंट्रोवर्सी ये है कि मेरे नाम को लेके, कि मेरा नाम अमित सिंह है कि क्या है। दूसरा कि क्या हमने किसी जाति विशेष को पंचर वाला बोला है या पाकिस्तान वालों को बोला है। किसी को हमने 18 बच्चे पाकिस्तान के लिए बोले थे या यहाँ के लिए बोले थे, या फिर एक जहाज उड़ाने वाले कोई मैटर है, या फिर मेरे पोस्ट को लेके ऐसा कुछ है। तो हम आपको सब कुछ इसमें क्लियर कर देते हैं। इधर उधर कुछ लोग अपने चैनल चमकाने के लिए किसी को बदनाम कर सकते हैं। देखिए, जब पटना में थे तो हम हर त्यौहार को मिलजुल के मनाते थे, चाहे वो रक्षाबंधन हो, सरस्वती पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, सब त्यौहार मिलजुल के मनाते थे। लॉकडाउन के होने की वजह से ऑनलाइन आना पड़ा, तो कुछ लोगों को लगा कि ये खान सना अमित सिंह है, लोगों ने ट्रेन करा दिए कि ये इसका नाम क्या चीज़ है। अरे, नाम में कुछ नहीं छुपा हुआ है। देखिए, हमने एक वीडियोज में हंसी मजाक में ऐसा एक वीडियो देखेंगे, लड़कों को कभी कभी हंसी मजाक में क्या होता है, लड़के पूछने लगते हैं सर नाम बताइए ना, नाम बताइए, नाम बताइए। तो हंसी मजाक में आदमी कभी बोल देता है जालिम खान, कभी कुछ खान। तो इसी में हमने बोल दिया था ना, मुझे अमित सिंह के नाम से भी बुलाया जाता है। हमने ये नहीं कहा कि मेरा ये नाम है, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। बुलाया जाने का मतलब क्या है, वो लड़के इतने जीत करने लगते हैं क्लास में, हो आप सुने होंगे उसमें हल्ला बहुत ज्यादा होता है। अब लड़के मानते नहीं, कहते नहीं सर आप तो बोलते कि जालिम खान भी हमें बुलाया जाता है, जहरुद्दीन भी बुलाया जाता है, आप ऐसे क्यों किए। तो हमने उसमें बोल दिया कि लड़कों को चुप कराने की जो बकला करेगा, हमको बैंक में भी यही बुलाया जाता है। हमने ये नहीं बोला कि मेरा नाम बैंक में यही है, बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। ऐसे बोल दिए कि लड़का सब समझ जाए सर, मुझे बैंक में भी यही बुलाया जाता है। और अब देखिए, कोई अपना नाम ऐसे हंस हंस के बताएगा, वो तो ऐसे हंसी मजाक, पीछे हिस्ट्री टेस्ट ले रहे थे उसी में हंसी मजाक हो रहा था। ललन टॉप से सिद्धांत जी ने हमें कॉल किया और बोले कि सर ऐसा क्या है। तो हमने भी उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं, हम हंसी मजाक में बोले थे। तो देखिए, ये चैनल जो है ना, ये ललन टॉप के वीडियो में हमने एक स्क्रीनशॉट लिया था। एक लड़के ने कमेंट किया, नाम है कुमार आशीष, इन्होंने कहा कि जो वीडियो अमित सिंह वाले क्लिप है, उस दिन मैं भी क्लास किया था, उस दिन खान सर बस ऐसे ही सारे स्टूडेंट से हंसी मजाक करके ये सब बता रहे थे, जब स्टूडेंट ने उनसे नाम जानने पर जोर देने लगे थे। अरे यार, इधर देखो ना, उसमें हम ये भी बोले मेरा नाम खान सर नहीं है। भैया, नाम खान थोड़ी होता है, टाइटल खान होता है। हमारे एक सर थे यादव सर, उनको हम लोग यादव सर कहते थे। उनसे कोई पूछेगा कि आपका नाम यादव है, तो कहे नहीं नहीं मेरा नाम राजेंद्र यादव है। तो पूरा नाम मेरा खान नहीं है, खान मेरा टाइटल है। यही तो हमने भी बोला ना कि खान मेरा नाम नहीं है, टाइटल है। यार, मेरा खान सर नाम नहीं है। और आप पढ़े लिखे जरा सोचिए कि अगर मेरा नाम खान नहीं रहता तो मेरी जितनी किताबें आती है, चाहे किरण पब्लिकेशन से आप देखेंगे, आरबीडी पब्लिकेशन देखेंगे, किरण पब्लिकेशन से तो हमने 26-27 किताबें निकाली है, उसमें सब में लिखा है खान सर। और आपको पता है कि नियम के हिसाब से आप अपने हिसाब से, जैसे आर एस अग्रवाल है तो दूसरे का नाम नहीं लिख सकते आप। आर एस अग्रवाल का नाम आपको भी नहीं पता है, पी टी उषा का नाम आपको भी पूरा नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को। एस चांद, इतनी अच्छी किताबें हैं, बहुत फेमस किताब है, उसका भी तो पूरा नहीं नाम पता होता। लेकिन जब हम लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते ना ISBN नंबर, तो उसमें हम बताते हैं यार, वो ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए ना जिसे बताने के लिए। ये लोगो रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोगो का अपना, तो वहां पे भी हमको आधार कार्ड पैन कार्ड सब दे रहा था, उस सब में खान है। अरे यार, हम कैसे बताएं, हम उर्दू तक में किताब लिखवाए उन लोग के लिए कि उन लोग का भी सिलेक्शन हो जाए, रेलवे में हो जाए। बताओ यार, उर्दू तक में किताब छपवाए और इसको बेसिकली दिल्ली से सप्लाई हुआ था, ये कश्मीर वगैरह में ये किताबें ज्यादा बिकती है उर्दू वर्जन में, वहां पे भी हमने खान लिखा। अरे यार, कैसी मानसिकता आप लोग की। अब बताओ, कोई अमित सिंह आपका उर्दू में किताब लिखेगा? हाँ भाई साहब, बहुत दिमाग है आप लोग के पास। एक्चुअली हम नाम इसलिए नहीं बताते कि शुरू से ही हम लोगों ने नहीं बताया। अब शुरू से जो हो जाता है, जैसे देखिए, मुस्लिम लोग अमूमन लुंगी पहनते हैं, आप इन्हें धोती दीजिएगा तो इन्हें धोती से ऐतराज नहीं है, इन्होंने पहना नहीं है इसलिए एक अजीब सा लगेगा। अब पंडित जी को धोती की जगह लुंगी दीजिएगा तो कहेंगे क्या दे रहे हो, वो गलत नहीं है। जैसे हम जिंदगी में कभी जीन्स नहीं पहने, हमें आप कहिएगा जीन्स पहनो, खान सर कभी जीन्स नहीं पहनेंगे, तो आप एक ट्वीट करा दीजिएगा ये एंटी जीन्स है, जीन्स नहीं पहनता, गलत है यार। ऐसा नहीं, सबकी अपनी अपनी एक आदत बन जाती है। कोई नॉनवेज नहीं खाता है, उसे चिकन दीजिएगा, मरेगा नहीं लेकिन वो नहीं खा पाएगा, अजीब सा उसको लगेगा, नहीं किया हमने। अब आप बताइए, मेरा 4 जून को अमेरिका में एक लेक्चर होने वाला है,
वो जो भारतीय लोग हैं जो वहां बसे हुए हैं वो भारत के किस काम आ सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उन लोगों ने लेक्चर दिया, काफी यूनिवर्सिटीज में होगा वो चीज। अब वहां हम जब लेक्चर हुआ तो वहां अमेरिका गवर्नमेंट की जो एम्बेसी है उसने ऑफिशियल मेल किया, बताया कि हमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा नाम चाहिए, तब हम आपको यहां लेक्चर की परमिशन देंगे, ऑनलाइन लेक्चर होगा, हमें जाना नहीं है। वहां हमने दिया। अब आप बताइए, आप में से कोई उठ के कहेगा कि हम एनआरसी की ओर से आए हैं, खान सर आप अपना पेपर दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, असली नाम बताइए, क्या हम उसको दिखा देंगे? अरे यार, कोई ट्रेन का ड्राइवर आपको आके हम कहेगा टिकट दिखाइए, नहीं दिखाएंगे, आप टीटी ही दिखाता है। तो हम खुद बता देंगे, और हम अगर आप प्यार से पूछते, हम खुद सोचे थे दो चार दिन में बता देते, लेकिन इतना कॉन्ट्रोवर्सी हो गया कि अगर अब बताएंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि खान सर डर गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, हम कोई आतंकवादी थोड़ी है जो हम छुपेंगे। हाँ, रही बात नाम की, तो कौन बनेगा करोड़पति में पूछेगा कि बताओ रियल नेम ऑफ खान सर। कंप्यूटर जी चारों ऑप्शन दिया जाए, देखिए फैजल खान भी कुछ कहते हैं, अमित सिंह कहते हैं, फैजल खान, मन्नान खान, कंप्यूटर जी किसे लॉक कर दिया जाए? तो आप लोग कोई जाइएगा ना कौन बनेगा करोड़पति में, तो बच्चन जी से कहिएगा, अमिताभ बच्चन जी से, कि हमको फोन लगाए, उस दिन हम आपको सही बताएंगे। अरे करोड़ों का चीज है ये, यहाँ पे इतना आराम से कैसे हमें बताएंगे? हमको कोई जोर जबरदस्ती करता है ना, हम कह देते हैं हाँ भैया आपको जो समझना है समझ जाओ, समझदार अपना समझ जाएगा। हम कभी भी खुल के ये नहीं कहें कि नाम यही है, हम बता देंगे आपको, जैसे कंट्रोवर्सी शांत होगी, मामला शांत होगा, खुद ही बता देंगे आपको। देखिए यहाँ से हम मुसलमान दिखते हैं, यहाँ से हम हिंदू दिखते हैं, इसमें से हम खान सर दिखते हैं, इसमें अमित सिंह दिखते हैं। तो भैया देखिए, रक्षाबंधन के त्यौहार में लड़कियाँ आती हैं, राखी बनती है, सबसे ज़्यादा राखी हम ही को माना जाता है, सरस्वती पूजा वगैरह में आते हैं लोग, वैसे ईद में आइए, मुहर्रम में हम सब करते हैं, आप कौन सा देखिए इस पे है। अब एक आदमी हमसे पूछ रहे थे कि आप कुरान बताइए, तो भैया कुरान की शुरुआत कहाँ से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। बताइए क्या बात है कि आपको कोई प्रूफ देता है आके कुरान पढ़े? अब क्या अलिफ लाम मीम पढ़े? नहीं भैया, हमको 300 पारा नहीं याद है, हमको बुक खूब से खूब 30-40 तो सूरह याद है, हाफिज जी थोड़ी है जो हमको पूरा याद रह गया, आपको भी नहीं याद होगा। अब मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि आप ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के जाया कीजिए, तो इसमें दिन अच्छा रहता है, मतलब कोई गलत चीजें नहीं आती। जो हमारे हिंदू दोस्त है वो कहते हैं महामृत्युंजय जाप कीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनम मृत्योर मोक्ष मातृताम, वो कहते हैं कि इससे अच्छा दिन हो जाता, हम वो भी पढ़ देते हैं। कोई कहेगा गायत्री मंत्र पढ़ने के, वो भी पढ़ देते हैं। हमको क्या मतलब, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी रहने दीजिए। गीता की वो बात याद है, वंदनम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। हर इंसान को एक समान भाव में रहना चाहिए, जीत हो या हार हो, जैसा भी हो, एक हिंदुस्तानी की तरह हम रहते हैं। मेन विवाद कैसे हुआ, देखिए हमने किसी को अगर 56 भोज खाने के लिए दिए, उसमें एक चटनी भी है, अगर वो इंसान गलती से चटनी खा के चला गया और ये सब नहीं देखा तो क्या कहेगा बाहर जाके? खान सर ठीक आदमी नहीं है, चटनी खिला के भेज दिया। अरे भैया तुमने नहीं खाया, हमने हजारों घंटा क्लास लिया, यूट्यूब पर हम महज 5% क्लास लेते हैं, 95% एप्लीकेशन पे लेते हैं। जो हजारों घंटा क्लास नहीं देखा वो 20-30 सेकंड के वीडियो देखेगा तो उसको यही लगेगा ना खान साहब ने चटनी खिला के भेज दिया। या फिर जो लोग हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम केवल आपकी यही बात देखेंगे कि आप हमें भला बुरा बोल रहे हैं, तो हम आपके बारे में क्या सोचेंगे, यही कि आप गलत इंसान है। लेकिन आप गलत नहीं हो, आपके पूरा देखना पड़ेगा तब ना समझ में आएगा। जो वीडियो देख रहे हैं लोग उसके पहले का 10 मिनट और बाद का 10 मिनट देखिए, पूरा हो जाएगा। इवन जो आपको अपने चैनल को बढ़ाने के लिए दिखा रहा है वो भी आपको पहले और बाद का नहीं दिखाएगा, उसको पता है कि जस्ट यहीं से काट, यहीं तो मेन मजा है। बात समझिए, आधा जो सच होता है ना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। एक ये लड़का मेरे यहाँ आया क्लास में, बेचारा कह रहा है कि गरीब है, यूट्यूब पे चैनल को ग्रो करना है, हमने इसको कहा क्लास के बाद में आना, इसने लिख दिया भागता है कि नहीं तुम, लिखता है देखिए खान सर कितना घमंडी है, वीडियो डिलीट करने से पहले देखिए, मिलियंस लोगों ने इसे देख लिया, हमने छोड़ दिया इसको, स्ट्राइक नहीं देते कि बेचारा गरीब है, इसका भी चैनल आगे बढ़ जाए, अच्छा ना है। लेकिन अगर कोई ये देखेगा तो क्या कहेगा कि खान सर बहुत ज्यादा घमंडी है। ऐसे यूट्यूब पर फेक न्यूज बहुत ज्यादा आते हैं सर, आप देखिए ये लिख रहा है सेक्स वीडियो का डिलीट होने से पहले देखिए, बताइए इसके पीछे उल्टा सीधा टिकटॉक का गाना बजा रहा था। हमको अब कोई देखेगा तो यही सोचेगा यहां देखिए ये किस कर रहा है किसी को, अब ये वीडियो मिलियंस तक में लोग इसको देखे हुए हैं। यहां पे देखिए ये क्या लिखता है भाई, खान सर की गर्लफ्रेंड पुरानी वाली नई वाली, ये बताइए ये बदनामी ना कर रहा है यहां पर। ये देखिए क्या कर रहा, खान सर की शादी हो गई, रे भैया हम यहाँ कुमार बैठल है, इन्हें शादी ब्याह करा दिया, अब हम किसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, उल्टा सीधा। हद तब हो गई जब भीम UPI से खान सर क्लासेज नाम से एक फर्जी ऐप बनाकर यहाँ सबसे पैसे मांगे जाने गए, खान सर को इस पे हेल्प कीजिए, ये भीम UPI बनाकर यहाँ पर लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरी मम्मी एक बार डर गई, हमको वीडियो कॉल करने लगी, कहाँ हो बेटा कहाँ हो, हम क्लास में रहते हैं तो अमूमन मोबाइल ऑफ या साइलेंट रहता है, तो स्टाफ से कहीं कि जल्दी सर को वीडियो कॉल पर दिखाओ।
हम देखे, मम्मी से पूछे क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक वीडियो देखे थे, खान सर की मौत, गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा। अरे भैया हम जिंदा हैं, उल्टा सीधा ये हम नहीं बनाते हैं, ये इस तरह से बना दिया जाता है। बताइए हम जिंदा, हमको मर दे, हम किसको किसको सफाई देते फिरेंगे यहाँ पर। एक इतना बड़ा कमीना आदमी था, हम एक वीडियो में बता रहे थे कि देखिए इंसानियत रहनी चाहिए, सीता माँ जो थी वो लंका में भी सुरक्षित थी, और आज हम लोग अपने यहाँ बहन हमारी ये लोग उतनी सुरक्षित नहीं, इसका मतलब हम लोग बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं था, तो ये वो क्या लिखता है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर देवी देवताओं का क्यों हो रहा है मजाक खान सर, हम क्यों मजाक करेंगे भैया। अब कहता है कि लो कुछ राम जी का नहीं, ये बताइए बताइए, ये हमने नहीं बोला। अब इस पर कोई लोग बवाल करते तो कम से कम वो पढ़े लिखे लोग, वो समझते हैं कि एक दूसरा आदमी है कुछ कुछ कर देता है। यार हम कभी इतना वाहियात मजाक बोलेंगे, इनका एक वायरल कर दिया पीछे से आलू आगे से सोना, जबकि पूरा वीडियो देखे हैं, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, ये हो गया आपका आधा सच। अब देखिए पूरा सच, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। अरे अभी हम दोनों का टाइम खराब चल रहा है, आपका तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है, हमारा तो नॉर्मल है, कुछ लोग हैं लोग जो बढ़ के हैं, आप तो ज्यादा लोग बढ़ के हैं। जब आप किसी को उसके जाति या नाम से सोचने लगते हैं तो उल्टा सीधा होता है। देखिए एक आदमी कर रहे हैं, खान सर का जिहादी एजेंडा बेनकाब, भैया हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, उसको भी बोल रहा है, इसको भी, हमको लिखा नया स्ट्रेन है यहाँ पे, ये भाई साहब इसको देखो ये क्या कर रहा है। खान सर पटना वाले मेरे गांव के, अब तुरा गांव के ना रे, मैं गाली देता हूँ खान सर को, इसने गाली नहीं दिया, लोगों ने देखा कि काहे कर जा रहा है, इसका चैनल चल गया, प्रचार आ गया, पैसे कमा लिया। लोग आज के वक्त में पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये फेक न्यूज में आप लोग भी पड़ गए हैं, क्लिप काट काट के। यहाँ पढ़िए, एंटी मोदी एंटी हिंदू रिवील खान सर एक्सपोज। बताइए हम एंटी मोदी हो गए एंटी हिंदू हो गए, हमारा क्या मतलब है भैया, मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो हम अच्छा ही भी बोलते हैं, गलत करेंगे तो गलत भी बोल देंगे। यहाँ पे खान सर एक बार फिर बेनकाब हो गया, लो भैया हामिद अंसारी के साथ, मैं राष्ट्रपति के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ मेरा फोटो लगा दिया, हम क्या करेंगे। ये देखो अब कुछ कहते हैं, मदरसा छाप जाहिल खान सर, हमारा मदरसा छाप जाहिल बोलता है, खुद ही हो गया एक्सपोज, 26-27 मिनट का वीडियो। ये लोग के कमाने का रास्ता है खान सर, खान सर को गाली दो, जब बराबरी नहीं कर सकते हैं तो जमीन के नीचे गड्ढा खोद दो कि गिर जाए। ये देखिए उल्टा सीधा फोटो लगा रहा है, नाइट फॉल्ट शीघ्र पतन, यही सब हम बताएंगे। या आ जाओ यहाँ पे, ये क्लासेज जब चलते हैं, बायोलॉजी का हो गया या किसी चीज का क्लासेज हो गया, उसमें हर चीजें रहती, उसमें से आधा काट काट के दिखाइए उल्टा सीधा, कोई मदरसा छाप बोल दे हमको, कोई कुछ बोल दे, तो हम किसको सफाई देंगे। विवाद पाकिस्तान के एक वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर, हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया, बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम लिया, हमने तहरीके लबैक पार्टी को बोला, क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे, खुद पाकिस्तान की पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया, उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहां पर। हम इस बचवा को बोले थे कि तोरा तहरीके लबैक पार्टी वाला यहां पर पंचर साटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। बचपन में हम लोग के भी टीचर कहते थे, अरे पढ़ लिख ले रहे ना तो गोबर उठाएगा घास काटेगा, उस समय हम वीडियो बनाए हुए थे। उस समय इतना भयानक ही लोगों ने बहिष्कार कर दिया था फ्रांस का, कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर जूता का करके पोस्टर निकाला था। और हद बेशर्मी इन लोग की देखिए, कि इन्होंने अपनी संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि पाकिस्तान का वह राजदूत जो फ्रांस में बैठा है उसे वापस बुलाया जाए। तो जब ये प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद से पारित हो गया तब पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी राजदूत फ्रांस में बैठा ही नहीं है, इन लोग का ससुरों का मुंह लजा गया। अब इसी बीच इसमें पाकिस्तान में बहुत जो बवाल हो रहा था, उसी बीच एक तहरीके लबैक पाकिस्तान की पार्टी है,